नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल स्वागत करता हूँ आप सबका हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में और इसके अलावा इस स्पेशल इस खास पेशकश में जिसका नाम है लाफ विथ लेजेंड्स। जैसे मैंने मेरे पहले एपिसोड में कहा ही था कि भी आने वाले समय के अंदर आने वाले एपिसोड्स में हमारे यूट्यूब चैनल पर कुछ ऐसे लेजेंड्स आएंगे जिनके बारे में आप सभी लोगों को पता तो बहुत होगा पर जिनकी पर्सनल लाइफ के बारे में एज वेल एज उनका रूटीन क्या होता है उसके बारे में शायद आप सभी लोगों को नहीं पता होगा। आज के जो हमारे शो पर मेहमान है इन्होंने अभी तक ऐसी सफलताएं हासिल की है जो शायद किसी और मामूली व्यक्ति के बस की बात नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें तो कुदरत ने इस भाई को तकलीफ तो बहुत दी पर इन्होंने अपने हार्ड वर्क से, अपने फोकस से, अपने कंसंट्रेशन से उन सभी तकलीफ़ों को भी शरमा दिया। असफलताओं ने कई बार उसके रास्ते में आने की कोशिश की पर अपने आत्मबल से उन्होंने सभी असफलताओं को भी कह दिया, अरे चल जा, ये रास्ता तेरे बस की बात नहीं है, इस गलियों में तुझे सहारा नहीं मिलेगा। तो आज के इस मेहमान वन ऑफ द यंगेस्ट कॉमेडियन ऑफ द इंडिया, वन ऑफ द बिगेस्ट लेजेंड्स ऑफ द कंट्री, ही इज नन अदर देन ही इज जय छनियारा। हेलो जय भाई, स्वागत है आपका। यूट्यूब चैनल से मुझे देखने वाले सभी दर्शकों को जय छनियारा का प्यार भरा नमस्कार। हेलो जय भाई, सबसे पहले तो जैसे यू नो आप लोगों ने हमारा आपके घर पर स्वागत किया, वैसे तो हम आपका स्वागत नहीं कर पाए पर फिर भी फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट थैंक यू वेरी मच आपका ये बहुत जो कीमती समय है वो हमें देने के लिए, क्योंकि यू नो जैसे मैंने आपको कहा था कि भाई आपसे ही इस पर्टिकुलर एपिसोड की हम शुरुआत करना चाहते हैं और जय भाई इससे बड़ा मौका हो नहीं सकता किसी भी मोटिवेशन एज वेल एज किसी भी अगर हम बात करें वो फनी मोमेंट्स के लिए। तो जय भाई सबसे पहले हम ये कॉन्वर्सेशन जो है वो स्टार्ट करें उनसे पहले मैं आप सभी दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि जय भाई की अर्ली लाइफ के बारे में थोड़ा से वो कॉन्सेप्ट। तो जय भाई ने इतनी सफलताएं हासिल की है, इतने अवार्ड्स उसको मिले हैं कि भाई ये सभी चीज़ें नोट्सबुक में देखे बिना आप सभी के सामने बोलना वो तो नामुमकिन है। तो इसीलिए ये पूरी यहाँ पर लिस्ट है, अक्टूबर 1993 में जय भाई का जन्म हुआ। इसके बाद उसके वहाँ पर यू नो ट्विंस थे, जय भाई और उसके ब्रदर ट्विंस थे दोनों, बोथ ऑफ देम वर प्री मेच्योर। तो इसके बाद एक चाइल्ड जो जन्म लेते ही उसको फिर से भगवान के पास जाना पड़ा और इसके बाद अगर हम बात करें जय भाई की तो डॉक्टर्स ने भी बोल दिया था कि ये जय भाई जो है 6 दिन से ज़्यादा शायद नहीं जी पाएंगे। इसके बाद जिस तरीके से उन्होंने रिकवरी की, जिस तरीके से कुदरत का साथ मिला और जिस तरीके से जय भाई ने, उसके परिवार ने, सभी लोगों ने हिम्मत बढ़ाई, उसकी बदौलत आज जय भाई जो है इस मुकाम पर पहुँच पाए। इसके बाद अगर हम बात करें तो बच तो गए, जीवन दान तो मिल गया पर एक बीमारी थी, उस बीमारी का नाम अगर मैं गलत ना हूँ तो सेरेब्रल पल्सी जैसे कुछ, हाँ उसका सामना करना पड़ा, जिसमें क्या होता है वो भी मैं आपको बता दूँ कि भाई जन्म से पहले या जन्म के बाद किसी भी व्यक्ति के अंग जो है हाथ या पैर वो शायद उस तरीके से काम नहीं करते जैसे नॉर्मल व्यक्ति के काम करते हैं। फिर भी जिस तरीके से जय भाई ने अपनी लगन से, अपनी खन से, अपनी मेहनत से ये सभी जो उसको बीमारी थी उसका सामना किया, डटकर सामना किया, वो सभी लोगों के लिए इंस्पिरेशनल है। मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जय भाई के पूरी बॉडी में अब तक 25 सर्जरीज हो चुकी है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो टोटल 25 सर्जरीज जय भाई के पूरी बॉडी में हो चुकी है। अगर हम बात करें अर्ली लाइफ की तो जय भाई को 6 साल की उम्र में ही उसको पता चल गया कि उसके अंदर कौन सा टैलेंट है, उसके अंदर कौन सी वो चीज़ है जो और लोगों के अंदर नहीं है, एज वेल एज कौन सी वो चीज़ है जिनसे वो लोगों को हंसा सकते हैं। सिर्फ 10 साल की उम्र में इन्होंने कोई भी आवो हंस के दिखाओ नाम का जो ये जो हिंदी शो था, कॉमेडी शो, उसमें पार्टिसिपेट किया और उसमें आप विनर भी बने जय भाई। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद तो ये सफलता का सिलसिला जो था वो थमने वाला ही नहीं था। 12 साल की उम्र में उन्होंने द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज शो में पार्टिसिपेट किया। इसके बाद तारक मेहता का उनका उल्टा चश्मा, उस शो में भी आपने जो है पार्टिसिपेट किया। इसके बाद अभी तक जय भाई को नामी कुछ अवार्ड्स मिलाकर शायद 180 से ज़्यादा अवार्ड्स आपके पास है भाई, भाई वाह भाई वाह। और इसके बाद अगर हम बात करें सभी रिकॉर्ड्स की तो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और ना जाने कितने ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड जो अभी तक जय भाई के खाते में ऑलरेडी आ चुके हैं। जय भाई अगर मैं बात करूँ मेरी, अभी तक एक भी ऐसा अवार्ड नहीं है जो मेरे खाते में अभी तक आया, आपने 180 से ज़्यादा अवार्ड्स आपके खाते में यू नो वो रजिस्टर कर लिए। मेरी जो टैलेंट थी वो तो मेरे को टीचर पहचान ही नहीं पाए 6 साल की उम्र में। आपको ये पता कैसे चला कि आपके अंदर वो टैलेंट है, आपके अंदर वो प्रतिभा है जिनसे आप सभी लोगों को हंसा सकते हैं, जिनसे आप सभी लोगों को यू नो खुश कर सकते हैं? क्योंकि 6 साल की उम्र में अगर हम मेरी बात करें और हमारे जैसे कितने और बच्चों की बात करें तो हमें तो ये भी पता नहीं होता था कि अब डायपर चेंज करने का समय हो चुका है कि नहीं। तो आपको आई मीन ये कैसे पता चला?
मैं जब पैदा हुआ तो डॉक्टरों ने मेरे को बोला था कि ये बच्चा 6 महीने से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता। वो 6 कहते चल बसे मैं अभी तक। तो कॉमेडी तो मेरे अंदर, जिसे कहते हैं ना, एक पहले से जन्म ले चुकी थी। आपके बेटे को डॉक्टर बना सकते हो, इंजीनियर बना सकते हो, वकील बना सकते हो। आपके बेटे को कलाकार या संत नहीं बना सकते, वो तो पैदा ही होता है। तो उसके बाद फिर मेरे दोनों पैरों का ऑपरेशन अहमदाबाद में हुआ। फिर उस समय आप जानते हैं कि कैसेट का ज़माना था, तो एक ऑडियो कैसेट मेरे बड़े भैया लाए मेरे लिए, क्योंकि मुझे बहुत दर्द होता था और 50 स्टिटिस मेरे अंदर थे उस समय, और पूरा 1 महीना सीधा ही सोना है, ना आपको करवट बदलनी है, ना बॉडी की कोई मूवमेंट कर सकते हैं। तो मेरे को बहुत पेन होता था और मेरे पूरे परिवार वाले मुझे नींद का इंजेक्शन दे के सुलाते थे। उस समय मेरे बड़े भैया मेरे लिए एक चुटकुलों की कैसेट लाए, मैंने वो कैसेट सुनी, मुझे बहुत ही मज़ा आया। शाम को जब छोटे छोटे बच्चे मेरे साथ खेलने के लिए आए, मैंने जो सुबह सुनी थी वो पूरी की पूरी कैसेट उनके सामने रिपीट कर दी। बस मेरे परिवार को तब से ऐसा लगा कि ये बच्चा इस लाइन में आगे बढ़ सकता है। आज जो कुछ भी है आप सबके सामने। जब सबसे पहले आपको ये एहसास हुआ, आपको ये पता चला कि आप सभी दूसरों बच्चों की तरह खेल नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते, इसके बाद आपका सबसे पहला रिएक्शन क्या था? यू नो आई मीन, क्या आपको लगा कि ये मेरे साथ क्यों हुआ? दर्द, जख्म, चोट, वेदना, ये तो हर इंसान की ज़िंदगी का एक पन्ना होता है, लेकिन 4 लाइनों में मैं कहना चाहता हूँ कि प्यार परिचय को पहचान बना देता है। प्यार परिचय को पहचान बना देता है, गीत मेरा को गुलिस्तान बना देता है। हम अपनी बीती कहते हैं गैरों की नहीं, हम अपनी बीती कहते हैं गैरों की नहीं। दर्द आदमी को इंसान बना देता है। पहले मैं आदमी था, दर्द ने मुझे इंसान बनाया, और इसलिए उस दर्द का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो मैं नहीं। जय भाई, इसके बाद अगर हम बात करें, यू नो, माँ बाप से बड़ा कोई व्यक्ति हमारे जीवन के अंदर होता नहीं है, और ऐसी परिस्थिति में स्पेशली माँ बाप ही वही सबसे ज़्यादा हमें सपोर्ट करते हैं, और आपके मम्मी पापा ने भी आपको सपोर्ट करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। पर आपके केस में एक और व्यक्ति और एक और चेहरा जो शामिल था, वो थे आपके बड़े भाई, बिल्कुल रवि भाई। जिस तरीके से वो परछाई की तरह आपके साथ रहे, जिस तरीके से उन्होंने पहले से लेकर अभी तक, जिस तरीके से आपके पीछे वो मेहनत कर रहे हैं, अगर मैं ये कहूँ कि जय भाई और रवि भाई की जोड़ी वो राम लखन की जोड़ी है, तो कुछ गलत नहीं होगा। तो मैं रवि भाई के बारे में कुछ आप बताइए। मेरा पूरा परिवार मुझे इस काम में मदद करता है, क्योंकि परिवार के सपोर्ट के बिना तो कोई इंसान कुछ नहीं कर सकता। तो मेरे मम्मी पापा जो है वो स्क्रिप्टिंग का एडिटिंग करते हैं कि जय ये चीज़ तो बोल सकता है प्रोग्राम में, ये नहीं बोल सकता। और आपको जानकर खुशी होगी कि जो शो पे मैं शेर सुने होंगे वो मेरे बड़े भैया लिखते हैं। तो मेरे बड़े भैया का मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं उनको सलाम करना चाहता हूँ कि अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो आज शायद मैं इस मकाम तक नहीं होता। जय भाई, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ऐसा ही शायद कोई यू नो पॉलिटिशियन होगा, ऐसा ही शायद कोई बॉलीवुड सितारा होगा जिन्होंने आपके बारे में तारीफ नहीं की। स्पेशली अगर हम बात करें हमारे पूर्व राष्ट्रपति माननीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, इसके बाद सचिन तेंदुलकर जी, इसके बाद मोरारी बापू जी, इसके बाद हम बात करें अक्षय कुमार, कपिल शर्मा, आमिर खान, द गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर, और इसके बाद न जाने दिलर मेहंदी, और इसके बाद बबुआ लालू प्रसाद ने भी जय भाई की बहुत अच्छी से जम के से तारीफ़ की है। जय भाई, आप सभी लोगों से मिले, आपको कुछ ऐसा इंसिडेंट, ऐसा कुछ जो वाक्या जब यू नो आज भी आप जब बैठे हो अकेले और उस वाक्य को सोच कर आपको हंसी आए? आपने लालू जी की बात की, तो लालू जी का ही एक इंसिडेंट्स मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा। मैं जब पहली बार उनसे दिल्ली में मिला था उनकी ऑफिस में, तो मैंने उनको एक राहुल भाई सवाल पूछा था कि पूरी दुनिया आप पर कॉमेडी करती, मैं भी करता, तो क्या आपको बुरा फील नहीं होता, हर्ट फील नहीं होता कि यार पूरी दुनिया मेरे पीछे लगी हुई है, मेरी ही कॉमेडी करती? तब उन्होंने जो जवाब दिया वो मैं
दर्शकों को बताना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि इंसान अपने चेहरे से नहीं अपने कर्मों से बड़ा होता है, और ये लालू जी ने दिखाया। उन्होंने मुझसे कहा कि जय, मैं खुश हूँ कि मैं किसी के ध्यान में तो हूँ, और अगर मेरी वजह से तुम लोगों की दाल रोटी चलती है तो फिर करो मस्ती से काम, क्या चक्कर। वाह वाह वाह। अगर हम बात करें लालू प्रसाद जी की, हम सभी को पता है किस तरीके के वो इंसान है, और अगर पूरी हम बात करें पूरी दुनिया की, तो वो उनके स्पेशल चेहरे पर चुटकुले सुनाती है, एज वेल एज जिस तरीके से उसकी बोली है उस पर हम सभी लोग कमेंट करते हैं। इसके बाद इन सभी लोगों से आप मिले, कौन सी वो कॉमन चीज़ थी इन सभी लोगों में जो आपको लगी कि भाई इसी चीज़ ने इन सभी लोगों को इतना बड़ा सक्सेस दिलाया? मैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर का मुझे एक किस्सा याद आता है, क्योंकि उनको ग्रेट साइंटिस्ट कोई ऐसे ही नहीं कहता, वो जितनी बड़े साइंटिस्ट थे उतने ही बड़े इंसान थे। हैदराबाद में एक फिजिकली चैलेंज बच्चों की कॉन्फ्रेंस थी जिसमें मेरा परफॉर्मेंस था, और वहाँ पर मेरी मुलाकात उनसे हुई थी। तब मैंने उनको एक शेर कहा था, वो दर्शकों को कहना चाहता हूँ कि लड़खड़ा के चलकर हम दौड़ने वालों को कुछ सिखा जाएंगे, लड़खड़ा के चलकर हम दौड़ने वालों को कुछ सिखा जाएंगे, भुला ना पाएगी दुनिया हमें कुछ इस तरह छा जाएंगे, है दरिया हम जानते हैं अपने अंदर के खजाने को, जिस तरफ भी मुड़ गए अपना रास्ता बना जाएंगे। तो उस समय कलाम सर बहुत ही ज़्यादा खुश हुए थे, और उन्होंने मुझसे कहा था कि दुनिया मुझे रॉकेट साइंटिस्ट के रूप में जानती है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि बेटा जय छनियारा, तुम्हें दुनिया हंसी के साइंटिस्ट के रूप में जानेगी, लाफ्टर के साइंटिस्ट के रूप में जानेगी। तो ये मेरे लिए एक सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट था। जय पे के साथ इस कॉन्वर्सेशन का ये थोड़ा पार्ट वन, पार्ट टू में बने रहने के लिए कहीं पर भी जाइएगा मत। जब पार्ट टू थोड़े दिनों के अंदर आप सभी के सामने आए तब ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पार्ट टू में इनसे भी ज़्यादा ठहाके होने वाले हैं। कुछ ग्लिम्स जो है मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, देखिएगा, कहीं पर भी जाइएगा मत। जय भाई, एक जो था ना, मैंने TV शो देखा था, काफ़ी पुराना था जब आप छोटे थे, तो इस TV शो में आपने राखी सावंत जी को किस किया था? किसी को बताना मत राहुल भैया, 3 दिन से नाई नहीं थी, पास आ रही थी, तो मेरी हालत क्या हुई होगी वो आप समझ सकते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि भाई मीका सिंह को देखकर आपके अंदर ये हिम्मत आई थी, या मीका सिंह ने आपको देखकर राखी सावंत को फेमस कर दिया था? फिनिश, डन, श्योर जी, कल तेरे मेरे टिड़क टिड़क की, वहाँ बोलो, वीडियो बंद कर देगा। ओ कट ઇટ, ઓલું લેવાનું હતું કા? YouTube ના થંબનેલ ઉપર મૂકવા માટે મસ્ત મજાનો પ્રાણીનો ફોટો પાડી લે, બરાબર ને? ધ્યાનથી ધ્યાનથી ભાઈ,